Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. Here is Saqib Khan. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी ऑनशोर आइलैंड गैस ड्रिलिंग रिग पे जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा, जॉब रोटेशन वगैरह और सैलरी वगैरह. चले वीडियो स्टार्ट करते हैं. फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब के लिए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं. जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं. पहले नंबर पे क्वालिफिकेशन और सेकंड नंबर पे वर्क एक्सपीरियंस. फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब के लिए आपके पास मिनिमम मैट्रिक और सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए और साथ में आपके पास एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. सेकंड चीज़ वर्क एक्सपीरियंस. फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब के लिए आपके पास 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ड्रिलिंग रिग का. लेट्स सपोज आपके पास क्वालिफिकेशन कम है, मींस कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो उस सूरत में भी आपको ये जॉब मिल जाती है. अभी सेकंड नंबर पे है कि फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जो जॉब होती है उसकी रोटेशन वगैरह क्या होगी. नॉर्मली रोटेशन फॉर फोकलिफ्ट ऑपरेटर जॉब एट ऑनशोर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग 56 and 28 और 30 15. नॉर्मली जो ऑनशोर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग पे फोकलिफ्ट ऑपरेटर को जॉब रोटेशन प्रोवाइड की जाती है वो 56 28 की होती है या 30 15 की होती है. अभी ये जॉब रोटेशन किस तरह काम करती है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं 56 28 की. 56 28 रोटेशन में 56 डेज फोकलिफ्ट ऑपरेटर रिग पे गुजारेंगे और 28 डेज की उनको छुट्टियां मिलेंगी. लेट्स सपोज ड्रिलिंग रिग पे 3 शिफ्टें काम कर रही हैं और फोकलिफ्ट ऑपरेटर भी किसी एक शिफ्ट में होंगे, तो इस तरह वो 28 डेज डे में गुजारेंगे और 28 डेज वो नाइट में गुजारेंगे और 28 डेज की इनको छुट्टियाँ मिलेंगी. सिमिलर केस 30 15 का है. 15 डेज वो डे ड्यूटी करेंगे, 15 डेज नाइट और 15 डेज की इनको छुट्टियाँ मिलेंगी. अभी तीसरे नंबर पे के जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब होती है इसको सैलरी वगैरह कितनी दी जाती है. नॉर्मली द सैलरी ऑफ फोकलिफ्ट ऑपरेटर जॉब इज़ $1,000 to $1,500 पर मंथ. इधर एक बात याद रखें, आपको ये जो सैलरी बताई जा रही है ये एक इंटरनेशनल कंपनी की एवरेज सैलरी है. ये $1,000 से कम भी हो सकती है और $1,500 से ज़्यादा भी हो सकती है. आई होप कि इस वीडियो से जो फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब होती है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी जॉब रोटेशन और सैलरी वगैरह के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. वीडियो देखने का शुक्रिया. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें. और अगर आपका फोकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हों वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएँ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.